अजमेर में जिला कलेक्टर अंशदीप द्वारा लगाई गई धारा 144 को लेकर अब भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा आज अजमेर जिला कलेक्टरेट पर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा महिला मोर्चा की शहर अध्यक्ष भारतीय श्रीवास्तव ने इस अवसर पर आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर एक तरफ जहां रमजान के अवसर पर रोजेदारों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति के आदेश निकाले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू त्योहारों के समय धारा 144 लगाकर हिंदू धर्म के लोगों को त्योहार मनाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। भारतीय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण करने का प्रयास कर रही है, उससे प्रदेश में धार्मिक सद्भाव बिगड़ने लगा है। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में हिंदू समाज प्रदेश की कांग्रेस सरकार के स्थान पर राज्यपाल से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। अब जैसे पहले तो मैं अपने मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जो ऐसी गूंगी बहरी सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं। साथ ही आज महिला मोर्चा में भारतीय श्रीवास्तव अध्यक्ष और मेरी महिला मोर्चा की सभी मातृशक्ति के साथ यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि आपने देखा कि कोटा में, जोधपुर में जब जब ये धार्मिक कार्य मतलब कार्यक्रम आते हैं तब तब अशोक गहलोत जी को सूझता है कि 144 धारा लगा दी जाए। कोई भी अपने बोला जो मातृशक्ति जो भी है कोई अपने यहाँ पर मंदिरों के झंडे लेके नहीं आएगा, किसी प्रकार के धार्मिक झंडे लेके नहीं आएगा, पटाखा लेके नहीं आएगा, ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ धर्मेंद्र गहलोत जी से कि आप रमजान में तो कहते हैं कि यहाँ पर लाइटें जली रहनी चाहिए और कहीं भी लाइट बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइट बंद नहीं होनी चाहिए तो हम ये कहना चाहते हैं कि दुर्गाओं का जो हमने रामनवमी आ रही है, महावीर जयंती आ रही है, उसके साथ साथ हनुमान जयंती आ रही है, तो जब सभी धर्मों की हमारे लोगों का जो जुलूस निकल रहा है उसमें आप ऐसा क्यों करते हैं? इस चीज़ को आक्रोशित होकर हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है, क्योंकि जब पूर्व में हमारी वसुंधरा राजे जी थी, मुख्यमंत्री थी, 36 कौमों को साथ लेकर चलती थी, कभी उनके राज में ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने आपस में लड़ाई लड़ी हो, जबकि हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं। हम अजमेर में किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना लेकर नहीं चलते हैं, ना ही लड़ाइयाँ करते हैं। आज जो करौली में हुआ है वो भी प्रशासन की गलती से हुआ है, और आज भी अगर कुछ अजमेर में ऐसा हादसा होता है तो प्रशासन की गलती से होगा, उनकी गुलामी से होगा, क्योंकि सरकार की गुलाम प्रशासन है। वो सरकार कहेगी वैसा प्रशासन को करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह देना चाहती हूँ 144 धारा जो लगाई है और जो हम लोगों के जुलूस हैं वो निकलेंगे, हम लोग निकालेंगे, और आप लोग सरकार है अगर होश में आ जाओ, अगर जनता को आप लोग आक्रोशित करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अजमेर में भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ हों, तो अगर ऐसा कुछ होता है मेरे मुस्लिम भाइयों आपसे भी कह देना चाहती हूँ, आपके रमजान है, हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है, और हमारे यहाँ पर जो सबकी जयंती में जो जुलूस निकलेंगे उसमें भी आप लोगों को ऐतराज़ नहीं है। प्रशासन के ऊपर ना जाइए, सरकार को ना देखिए, सरकार सिर्फ वोट बैंक बनाती है और हम लोगों को लड़ने का काम करती है। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आज हम लोग बहनें जो नवदुर्गे के व्रत करके बैठी हैं, यहाँ पर जो ज्ञापन देने राज्यपाल के नाम आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के कोई जू नहीं रेंग रही है ना रेंगने वाली है। उसने मातृशक्ति को कभी सुरक्षित नहीं रखा है, ना थाने में मातृशक्ति सुरक्षित रही है, ना अस्पताल में रही है, ना टेम्पू में रही है, ना कहीं घरों में रही है। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देने के लिए हम लोग ज्ञापन देना है कि 144 धारा हटा दी जाए, वरना हो सकता है हम लोग रोड पर उतर के किसी भी तरह की कुछ भी कर सकते हैं, और क्या घटना होगी उसका प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। देखिए समय इसलिए हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री जी को वीसीओ से फुर्सत नहीं है, उनको कहाँ जनता की पड़ी है, वोट आएंगे तो वापस से सोच रहे हैं कि हम मुस्लिम हिंदू करके ले लेंगे, लेकिन मुसलमान भाई भी अब समझ चुके हैं, वो चाहते हैं कि हम सरकार के वोट बैंक के बन के नहीं रहेंगे, हमें सभी को